हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एटीपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में एक पोस्ट होता है जो पॉइंट्समैन बी। तो पॉइंट्समैन बी की जो जॉब प्रोफाइल क्या होती है और उनकी सैलरी क्या होती है और वर्क क्या रहता है और डिप्टी रोस्टर जो रहता है वो क्या रहता है, तो वो पोस्ट के सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अगर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि पॉइंट्समैन बी। तो पॉइंट्समैन बी का जो होता है वो ग्रुप डी के अंतर्गत आता है। जो पॉइंट्समैन बी का जो पोस्ट होता है वो आपको स्टेशन पर, जो पॉइंट्समैन बी का नियुक्ति जो होता है वो स्टेशन पर होता है। तो और उसको जो काम करना रहता है वो स्टेशन यानी ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के अंडर काम करना रहता है। जो भी ड्यूटी में रहते हैं उन्हीं के अंडर में जो पॉइंट्समैन भी होता है वो कार्य करता है। तो ड्यूटी के मतलब बताएंगे कि दोस्तों ड्यूटी के मतलब दौरान क्या क्या काम रहता है। तो ड्यूटी के दौरान आपका जो ड्यूटी रहता है वो मतलब 8 घंटे का रहता है। तो 8 घंटे का ये नहीं रहता है कि आपका जो फिक्स रहता है कि यही 8 घंटे तो आपका जो 8 घंटा रहता है वो चेंज भी हो सकता है, मतलब दिन में भी रह सकता है, रात में भी, रोस्टर वाइज रहता है, वो घूमते रहता है अपना 24 घंटा में 8-8 घंटा का घूमते रहता है। तो दोस्तों कहीं कहीं पर ये जो होता है रोस्टर ये 12 घंटा की भी रहता है, जहाँ छोटे स्टेशन रहते हैं, मतलब छोटा स्टेशन जहाँ रहता है, जहाँ मतलब वर्कलोड जो रहता है वो कम रहता है, तो वहाँ पे 12 घंटा का ड्यूटी रोस्टर रहता है। लेकिन जो मतलब जहाँ कार्यरत है वहाँ जो ड्यूटी है थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से वहाँ जो है 8 घंटा ड्यूटी रोस्टर रहता है। तो 8 घंटा ड्यूटी रोस्टर रहता है, तो उसी के दौरान अगर देखिए आपका जो वर्क रहेगा वो रहेगा, पहला तो देखिए अगर वो पॉइंट तो आप लोग जानते ही होंगे जहाँ से जो ट्रेन का रास्ता जो चेंज होता है वहाँ पे बहुत मतलब कभी कभी देखते हैं गिट्टी उट्टी रख देता है, तो कभी ऐसा होता है कि पॉइंट नहीं बनता है तो स्टेशन मास्टर बोलते हैं कि जाइए से पॉइंट देख के आइए, मतलब क्या दिक्कत हुआ जो नहीं बना है, तो वही पॉइंट देखने के लिए जाते हैं। और कभी ये ऐसा रहता है कि अपने आप ट्रैक रेड हो गया, मतलब क्यों रेड हो गया, कैसे रेड हो गया, तो वही फिर बोलते हैं कि जाइए आप, मतलब उनको वो देखते रहते हैं कि जो क्या रेड हुआ नहीं हुआ, तो वो बताते हैं कि जो रेड, हम लोग भी वहीं पर रहते हैं तो बताते हैं कि जाइए ये ट्रैक रेड हो गया है, देखिए तो कहीं टूट वूट तो नहीं गया, तो वही देखना रहता है। और उसके बाद बात करें तो सिग्नल फेलियर रहता है तो हम लोगों को मेमो देना रहता है, वो क्या कहते हैं कागज देना रहता है, उसमें जो लिख के दिया जाता है कि ये सिग्नल पास करने का आपको प्रस्थान पर अधिकार दिया जाता है। तो वही सिग्नल अगर खराब होता है तो वो पेपर लेके हम लोगों को मतलब देना रहता है। और फिर जो रहता है संटिंग का भी कार्य पॉइंट्समैन, पहले तो पोर्टर था अब पॉइंट्समैन भी कर दिया, तो पोर्टर का जो कार्य था वो संटिंग का नहीं था, लेकिन अब जो है उसको सभी पोस्ट को मर्ज कर दिया है और पॉइंट्समैन भी कर दिया है, तो इसका जो है वो कार्य है संटिंग का भी कार्य रहता है। तो संटिंग का भी, जैसे संटिंग का मतलब हो गया कि जो इंजन से इंजन में जोड़ना या बॉगी से बॉगी में जोड़ना या बॉगी को इंजन में जोड़ना, तो इसी तरह का जो रहता है मतलब जोड़ना रहता है, तो इस तरह हो गया आपका संटिंग का कार्य। उसके बाद आता है दोस्तों लोड स्टेबल, मतलब लोड स्टेबल आप लोग अगर ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो देखते ही होंगे कि कहीं कहीं पर जो ट्रेन गाड़ियां जो रहती है वो बंद पर ही मतलब बंद लगी रहती है और उसमें जो वो मतलब शट डाउन रहता है, तो उसको जो है इस स्टेबल किया जाता है कि इसमें भी देखिए ट्रेन भी अपने आप लुढ़क सकती है या आगे पीछे हो सकती है, जैसे कोई बस अगर लगाते हैं तो उसका जो है ब्रेक हम लोग टाइट कर देते हैं ताकि जो वो मतलब ढुल के इधर उधर ना हो, और ईटा भी लगा देते हैं कि इधर उधर ना हो, तो इसी तरह यहाँ भी अगर ट्रेन लगता है मतलब कोई भी जो मतलब अभी नहीं जाएगी और वो बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी और शट डाउन होगी, मतलब इंजन बंद कर दिया जाएगा या इंजन उसमें से काट के ले जाया जाएगा और सिर्फ बॉगी बचे रहेगी, तो उसमें भी हम लोग मतलब उसको भी स्टेबल करना पड़ता है, तो उसको गुटका मतलब दोनों तरफ लगा पीछे भी लगाना पड़ता है और आगे भी लगाना पड़ता है और उसमें चैन भी लगाना पड़ता है ताकि आगे पीछे ना हो। तो ये हो गया आपका एक स्टेबल का काम हो गया। और उसके बाद जो रहता है ऑल लाइट देना, ऑल लाइट में दोस्तों यही होता है कि जो जो भी गाड़ी बिना रुके हुए थ्रू जाती है तो उसको हम लोग हरी झंडी दे मतलब दे, अगर सिग्नल आगे हरा है तो उसको हम हरी झंडी दिखाते हैं और मतलब ये दर्शाया जाता है कि आपको आगे सब कुछ क्लियर है, आप आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं
और जब थ्रू जाता है तो उसमें गाड़ी में देखना रहता है, चेक चाक करना रहा, मतलब चलते हुए गाड़ी चल रही है और आपको उसी में देखना रहता है कि कहीं कोई तरह का मतलब कुछ तरह का यार टूटा फूटा नहीं है, या चक्का सही से नाच रहा है, और मतलब कोई क्या कहते हैं धूरा उरा जाम नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तो वही अलर्ट देना रहता है। तो यही सब और थोड़ा बहुत जो स्टेशन में अपना कार्य क्या कहते हैं जो सामान उमान रहता है, जैसे कलैंप उलैंप हो गया, जो आप लोग नहीं अगर मतलब वर्क करिएगा उसके बाद पता चलेगा क्या कलैंप होता है नहीं होता है, तो कलैंप उलैंप रहता है, और ये जो चैन गुटका रहता है उसको मतलब देख रेख में अपना रखना है, जो कहाँ मतलब साफ सुथरा में रखना है, और जो थोड़ा बहुत कागज उगज रहता है उसको साफ सुथरा में रखना है, तो यही सब वर्क रहता है। और तब वर्क ये मोटा मोटी यही सब रहता है, ज्यादा कम रह सकता है, मतलब स्टेशन के अनुसार रहता है, मोटा मोटी बात करें तो यही रहता है, थोड़ा बहुत अपना इधर उधर हो सकता है स्टेशन के क्या कहते हैं स्थिति के अनुसार कहाँ है मतलब क्या है। तो अब आगे बात करें दोस्तों कि जो इनके मतलब प्रमोशन, पॉइंट्समैन बी का मैन मैन लोग इसमें इसलिए आता है कि जो इसमें जो प्रमोशन जो होता है वो मतलब सबसे ज्यादा प्रमोशन होता है, सबसे ज्यादा यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, और सबसे ज्यादा इसको मतलब प्रमोशन इस पोस्ट पे आपको ज्यादा रहता है। तो प्रमोशन में जो है आप टी सी बन सकते, गुड्स गार्ड, ASM और ये सब बन सकते हैं। तो इसमें जो प्रमोशन का जो होता है, जब आप मतलब आइएगा तो एक तो होता है GDC, जो आप आइएगा अगर निकल जाए वैकेंसी तो उसमें पूरा जो जितना जोन का रहता है सब भरता है, लेकिन एक जो होता है वो LDC होता है, और वो भी डिपार्टमेंट मतलब उसका बांटा हुआ रहता है कि जो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या सीनियर डिपार्टमेंट सबका अलग अलग रहता है। तो हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन भी जो होता है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंटल फॉर्म जो आता है उसको फॉर्म यानी GDC जो आता है वो तो आप जब आए यानी रेलवे में आए उसके बाद जब निकला तब भर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो LDC होता है वो TTTC का जो निकलता है उसके लिए कम से कम मिनिमम 2 साल आपको रेलवे में वर्क करना मतलब किया रहिएगा, तभी आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और गार्ड्स ASM के लिए जो निकलता है उसके लिए मिनिमम 5 साल आप रेलवे में काम किए हैं तभी आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है प्रमोशन का जो चांस रहता है वो काफी अच्छा रहता है, जो हर एक मतलब 2-3 साल पे आता ही रहता है, तो आपको जो प्रमोशन के चांसेस जो इसमें काफी अच्छा रहता है, इसी वजह से लोग ज्यादातर इसमें मतलब इस पोस्ट पे आना मतलब ज्यादा प्रिफर करते हैं बाकी दूसरे पोस्ट के अपेक्षा इसमें थोड़ा। और तो अब हो गया दोस्तों जो जॉब का मतलब काम और क्या कहते हैं जो इसका प्रमोशन जो है वो कैसा रहता है। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी में अगर आप शुरुआत में अभी अगर आते हैं मतलब 2021 में एग्जाम होगा तो 22 मतलब एग्जाम अगर अप्रैल में स्टार्ट कर देता है तो 22 तक पूरा लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, तो उसमें आपका जो मिलेगा वो लगभग मतलब 21-22 मतलब 20 से लेके 22 हज़ार के बीच में आपका जो है इस पोस्ट पे आपको पेमेंट मिलेगा, 20 से 22 हज़ार का महीना मतलब पूरा जो है वो आपका। बात करें दोस्तों ओवरऑल जो ये जॉब कैसी है, तो दोस्तों मैं लगभग 1.5 साल से इस पोस्ट पे कार्यरत हूँ, हमें जो मेरा जो अनुभव है 1.5 साल का उसमें मुझे ये जॉब काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें मतलब सैलरी जो इसके अलावा दूसरे जैसे ट्रैकमैन हो गया और कोई पोस्ट है उसमें मतलब 2-4 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलता है, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्किंग है इससे ज़्यादा, तो इसमें जो है वो हमको काफ़ी अच्छा लगा, जो मेरा जो अनुभव रहा 1.5 सालों का वो काफ़ी अच्छा रहा। एक जगह पे आप मतलब ड्यूटी करते हैं, थोड़ा यही रहता है कि रेलवे है, रेलवे में मतलब नाइट को भी चलता है दिन को भी चलता है, तो उसमें ड्यूटी जो है आपका मतलब रात दिन रहता है, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो और ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग भी इस पोस्ट पे आते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आगे भी वीडियो इसी तरह का आता रहेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमसे कोई मतलब जैसा होता है कोई डाउट होता है तो उसको मतलब आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मेरा जो है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी है BirjuKumarBK, वहाँ आप जाके हमें सर्च करके वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होता है वहाँ से ज़रूर हम आपका रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।